इधर उधर के विचार वो करने लगता है। जब बहुत देर बीत जाती तब उसे ये रियलाइज होता है कि मैं क्या सोचने लगा था, मेरे मन में ऐसे कैसे भाव पैदा होने लगे जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, यानी हमें स्वयं नहीं पता चलता कि ये भाव कैसे पैदा हो गए। जैसे सपने होते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने आने लगते हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे सपने दिखने लगते हैं। सपनों में जैसे कंट्रोल सामान्य लोगों का नहीं होता, हाँ, लेकिन साधक जो होते हैं उनका कंट्रोल सपनों में भी होता है। सपने उनके अनुसार आते हैं, कभी उनको गलत स्वप्न आ नहीं सकते। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उन्हें मन में, उनके मन में गलत भाव नहीं आ सकते, उच्च कोटि की साधना करने वाले। यानी हम तो शारीरिक कंट्रोल कर लेते हैं, आसानी से बात करते हैं, भोजन का कंट्रोल कर लेंगे, ये त्याग कर लेंगे, वो त्याग कर लेंगे, लेकिन उनका त्याग मन के दुर्भावों का त्याग आ ही नहीं सकता। इतनी गजब की साधना, इतनी गजब की जागृति है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा जागृत रहता है ना, वही व्यक्ति इस प्रकार की साधना कर सकता है, जो हमेशा अलर्ट रहता है। क्योंकि मन का बहना ये सीधे से दिखाता है कि वो अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है। जागृत मतलब सावधान। जो व्यक्ति सावधान हमेशा रहता, हर पल सावधान रहता है, वही व्यक्ति ऐसी उच्च कोटि की साधना, कौन सी साधना, मन की, वो चला करके नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी उसका मन वहां नहीं जाएगा। बुद्धिपूर्वक तो बात अलग ही हो गई। बुद्धिपूर्वक मतलब जानबूझ करके ऐसा सोचने लगे, ऐसे व्यक्ति को देखने लगे, ऐसे शास्त्र पढ़ने लगे, ऐसे पिक्चर देखने लगे, ऐसी बातें करने लगे। हम बात कर रहे हैं अबुद्धिपूर्वक की, यानी अनइंटेंशनली भी वह इधर उधर नहीं भटकेगा। तो कैसे संभव हो पाता है, उस जागृति के माध्यम से। तो प्रभु को इस रूप से देखना सीखे, प्रभु के उस आभा मंडल को, प्रभु के इस औरा को ऐसे परखना सीखे, उनकी गुणगान इस प्रकार से गाना सीखे। तो इसका प्रभाव यह होगा कि हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने भावों के ऊपर जब चाहे संयम ला सकते हैं। पूछो महाराज श्री, ये तो है वही साधक की बात, बट यदि सामान्य पुरुष के मन में कोई दुर्भाव आते हैं लेकिन उसने वचन रूप या काय रूप परिणत नहीं किया तो दोषों में अंतर आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं है दोष, दोष में अंतर आता है। एक मन से ही तो पाप हो पाया हुआ है, लेकिन वचन और काय से तो पाप नहीं हुआ। अब आप मान लीजिए किसी के मन में दुर्भाव आ गया, एग्जाम्पल के लिए उसने सोचा है कि रात को मुझे खा लेना है, इच्छा हो रही है, अब वो जाकर के होटल में खा ले तो ज़्यादा पाप लग जाएगा। उसके मन में सिर्फ भाव आया है खाने का, लेकिन उसने संयम कर लिया, नहीं मेरा तो नियम है, मैं नहीं खाऊंगा। अथवा किसी को देख करके आपके भाव बिगड़ गए, अब किसी के भाव बिगड़ गए तो वो गलत कार्य कर भी ले तो उसमें और ज्यादा पाप। लेकिन भाव अकेले बिगड़े हैं लेकिन वर्बली और फिजिकली उसने कंट्रोल कर लिया, नहीं मुझे नहीं करना है ऐसा, ये मेरे योग्य नहीं है, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलना है, मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जिस भूमिका में हूँ इस भूमिका में तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये द्रव्य संयम तो हो ही गया उसका। आप उसको घात तो नहीं पहुंचा रहे, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हाँ दृष्टि में ऐसा आया था, बस तुरंत आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और जो नहीं कर पाते वो बहुत देर तक बह जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद उन्हें रियलाइज होता है, अरे इतनी देर हो गई, ये क्या कर दिया मैं, क्या कर बैठा मैं, है ना। तो ऐसे मन की साधना करने के लिए, मन को उस उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रभु के औरा को अच्छे से देखें, उनके गुणगान को करें। अब कैसे हम इस अर्थ को निकाल रहे हैं, औरा मतलब हमारी विचार प्रणाली का रिफ्लेक्शन। आभा मंडल क्या होता है, भाव प्रणाली का रिफ्लेक्शन।
जो मन में भाव चल रहे हैं उसी के अनुरूप आभा मंडल बनता है। जो मन में भाव होते हैं वैसे वैसे कुछ कुछ दृष्टि में भी आने लगता है ना, दृष्टि में भी चंचलपना आ जाता है, नहीं आता लगता तो है। मन में यदि कुछ दुर्भाव पैदा हुआ तो देखना उसकी हार्ट बीट में भी अंतर आ जाएगा, ब्लड बीपी भी अप एंड डाउन होने लगता, होता है कि नहीं होता है? तो शरीर में फिजिकली चेंजेस भी उसमें आने लगते हैं, कुछ एंजाइम्स का चेंज भी उसमें आने लगता है। तो जैसे शारीरिक परिवर्तन होने लगता है मन के भाव के अनुसार, ऐसे ही हमारे ऑरा में भी परिवर्तन होने लगता है, आभा मंडल में परिवर्तन होने लगता है। तो प्रभु का आभा मंडल इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना शुद्ध, इतना तेज वाला, इतना सुंदर होता है कि उसमें व्यक्ति अपने भूत और भविष्य को भी देख लेता है। हाँ, प्रभु के आभा मंडल में भविष्य के भी भाव नजर आने लगते हैं और अतीत के भी नजर आने लगते हैं। जैसे सरोवर में हम जाते हैं, तालाब के सम्मुख जाते हैं, अब जिस सरोवर में तरंगे उठ रही हैं, है ना, लहरें उठ रही हैं तालाब में, तो उसमें हम अपना चेहरा देख पाते, अपना प्रतिबिंब देख पाते, पानी एकदम क्लियर है, गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, लेकिन उसमें तरंगे उठ रही हैं, लहर उठ रही हैं। तो तरंग जो सहित सरोवर होता है वह प्रतिबिंब दिखलाने के योग्य नहीं होता है। यदि प्रतिबिंब हमें देखना है, परछाई अपनी देखना, अपने चेहरे को देखना है, तो उसकी तरंग जो है शांत होना चाहिए। ऐसे ही जब तक हमारा अंतरंग शांत नहीं होगा, हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो प्रभु का अंतरंग अथवा प्रभु की तरंग इतनी शांत रहती हैं, उनका अंतरंग इतना शुद्ध रहता है, कि उनके सामने कोई व्यक्ति आता है तो अपने रूप को ही नहीं, अपने स्वरूप को ही नहीं, अपने अतीत और भविष्य को भी देख लेता है। और जी, जब कहते हैं कि आयुबंध व्यक्ति को जो त्रिभाग पड़ता है तभी होता है, और हम अधिकतम अपनी एक ही आयु आगे की बांध सकते हैं, फिर हमारे तीन भाव कैसे दिख जाते हैं कि हम क्या क्या बनने वाले हैं? शास्त्रों में वर्णन आता है भविष्य के तीन भाव दिख जाते हैं अथवा अतीत के तीन भाव दिख जाते हैं। एक दूसरा मत आता है भविष्य का एक भाव दिख जाता है और अतीत का एक भाव दिख जाता है, ऐसा भी मत आता है। कुल मिलाकर के तीन अथवा कुल मिलाकर के सात भाव। प्रश्न मेरा ऐसा है, प्रश्न ये है कि जो अभी आयु हमने बांधी ही नहीं है, तीन भाव बाद, दो भाव बाद हम कहाँ पैदा होंगे, ये भगवान को कैसे दिख जाता है ऐसा? मतलब जब हमारे आयु बंध अभी बंधे ही नहीं है, जब हमारे हाथ में है वो कि हम कौन से कर्म में ऐसे बांधे, और आयु बंध हमारे त्रिभाग पर ही पड़ेगा, उसके पहले तो बंधना नहीं है, तो फिर हमारे तीन भाव कैसे दिख सकते हैं? तीन भाव कैसे? अरे भगवान तो छोड़ दो, अभी के एक ज्योतिषाचार्य है, वो आपके चेहरे को देख करके 20 साल बाद आप क्या करोगे बता देता है। वो कैसे बता देता है? नहीं नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 20 साल बाद आपका एक्सीडेंट होगा गाड़ी के नीचे आकर के, बता देता है कि नहीं? बस से आपका एक्सीडेंट होना है, आपकी कुंडली दिखा रही है, तो आपका फेस दिखा रहा है। अब ये कार्य 20 साल बाद होने वाला है, तो उस ज्योतिषाचार्य ने वो बस भी देख ली, आपको उस बस के नीचे भी कैसे देख लिया, हमें तो ये बता दो पहले, फिर हम आपकी बात बाद में रखते हैं। कैसे देख लेता है ये तो आपने अनुभव किया है ना? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो ये बता देते हैं कि 10 साल बाद उसके जीवन में क्या घटना घटने वाली है, उसका मरण कैसे होगा। मर ये तो, लेकिन एक कैसे पैदा होगा? नहीं इस... ये कैसे देख लेता है? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे पहले। और ग्रह नक्षत्र की उससे बोल की आयु इसकी इतनी है, ये 20 साल की यदि आयु लेकर आया तो 20 साल बाद इसका मरण है। ये तो नहीं नहीं मरण तो है, पर वो एग्जैक्टली ये भी बता देता कि मरण उसका ऐसे होगा अथवा एक्सीडेंट ऐसे होगा, उसमें मरेगा नहीं वो बच जाएगा। वो कैसे जान लेता, हमें ये पूछना चाह रहे सिर्फ। वो ग्रह योगों से जान सकता है। हाँ, यानी एक ज्ञान है ना, एक कला है ना। जी जी बिल्कुल। जब एक मति और श्रुत ज्ञान वाला, अल्प बुद्धि रखने वाला, अल्प ज्ञान का छेपशम रखने वाला व्यक्ति सामान्य से इतना कुछ बतला सकता है,
तो जो तीन लोग के नाथ हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, जिनके ज्ञानावरणी कर्म, समस्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है, तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है, तो उसमें क्या अतिशयोक्ति है? नहीं झलक सकता? जब एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सामान्य सा व्यक्ति है, आपके और हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति है, इतनी क्षमता वो विकसित कर लेता है, तो जो महापुरुष हैं जिनकी समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है, आत्मा से कर्म निकल चुके हैं, तो वो एकदम शुद्ध अवस्था को पहुंच चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, और उनका ज्ञान इतना ऊंचे स्तर का हो गया है, तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाए, कौन सी बड़ी बात है। और ये प्रश्न से है कि जो हमने बांध लिया है, जैसे आयु कर बांध लिया, उसका तो झलक गया तो ठीक है कि ये इतना मैंने बांधा था और उतना उतना दिख रहा है, वो दिख जाएगा भविष्य को, हमको दिख जाएगा, लेकिन जो हमने बांधा ही नहीं है। अच्छा, सर्वज्ञ की परिभाषा क्या होती है? जो तीनों लोगों के चराचर प्राणियों को, सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अपि भूतभावि सर्व, सदा सर्वता सर्वथा जानाति, यानी सभी जीवों की, सभी द्रव्यों के गुण और पर्यायों को, भूतकाल की और भविष्य की, तीन भव नहीं, अनंत भव, तीन करोड़ भी भव हो, 30 करोड़ भी क्यों ना हो, खरबों की संख्या में, अनसंख्यात की संख्या में, अथवा अनंत की संख्या में भी क्यों ना हो, युगपत ऐसे जानते हैं जैसे हाथ पे रखा हुआ हम कोई आंवला देख रहे हैं ना, हस्तामलकवत, क्या वो कहा गया शास्त्रों में, हस्त आमलकवत, हस्त में, हथेली में आमलक, यानी आंवला कोई आ गया हो तो वो उसे ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, अतीत की घटना को भी ऐसा देखा जा सकता है, हाथ में रखे हुए आंवले की भांति नहीं देखा, देखा जा सकता है? आप फ्लैशबैक में चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लो अपनी मोबाइल में, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो एज इट इज दिखाई देगी, तो अतीत को भी देख सकती है कि नहीं? दिखती है ना। अब जो घटना घट चुकी वो ऐसी कैसे दिख रही है कि वर्तमान में घटित हो रही है? वो तो मर्जी क्यों हो चुकी है, इस कारण आप कह रहे हैं हो चुकी है। अच्छा, तो भविष्य में क्या होगा, ये प्रभु के ज्ञान की विशेषता है। अब समझना, जो हमारे साथ अभी बंधा ही नहीं, वो कैसे जान रहे हैं? अब आप प्रश्न कर रहे हैं जी, जिस आयु कर्म को इस जीव ने बांधा ही नहीं, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, दूसरे भाव में कौन सी आयु बांधेगा, तो वो कैसे जान? यही तो उनके ज्ञान की विशेषता है कि ये जीव क्या क्या करेगा, वो पहले से झलक जाता है। लेकिन हमारा परिणमन उनके ज्ञान के अनुसार नहीं होगा, हमारा परिणमन जैसा होगा वो उनके ज्ञान में झलक रहा है, इस बात से समझे। भगवान के ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भामंडल की बात करते कि हमें खुद दिख रहा है, तो वो हमें कैसे दिख जाता है? ये मुख्य यहाँ पर है कि भामंडल में हमें खुद दिख रहा है कि हमारे तीन भाव क्या होने वाले हैं, जबकि हमने अभी बांधा ही नहीं है कुछ। भगवान के ज्ञान में तो अनंत है, उसमें कोई प्रकार का कहीं पर ही संदेह। अब आचार्य भगवान कुछ करते नहीं है, वो जहां जाकर के बैठ जाते हैं, कई लोगों का कल्याण अपने आप हो जाता है, वो तो बैठे हैं सामने से, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कई लोगों की तो गरीबी दूर कैसे हो जाती है? तो यही होता है महापुरुषों की संगति का प्रताप, कि वो भले ही कुछ ना करें, लेकिन उनकी संगति इतनी उत्कृष्ट है, उनका क्षोपम, उनका यानी उनका छाई ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता इतनी है कि उनके निकट जाते ही हमें भी वो सब नजर आने लगता है, भले ही हम अज्ञानी क्यों ना हो। ये महापुरुषों की क्षमता का प्रताप है, उनके उस ज्ञान का, उनकी उस लेशा का प्रताप है, उनके उन शुभ विचारों का, शुभ परम शुक्ल लेशा का प्रताप है, कि उनका आभामंडल इस प्रकार का हो जाता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं, अतीत को भी देख लेते हैं तीन भाव, और भविष्य को भी देख लेते हैं। ऐसे कुछ आप लोगों ने स्टोरी सुनी भी होगी, उस जादूगर आदि होते थे, वो ऐसा कुछ बर्तन में तेल डालते थे और उन्हें दिखता रहता था। आज से 400 साल पहले एक नाम, एक व्यक्ति हुआ है नास्त्रदमस, सुना है नास्त्रदमस की भविष्यवाणी, शायद फ्रांस का व्यक्ति हुआ, उसने 400 वर्ष पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि आने वाले 400 वर्ष में, 500 वर्ष में, 1000 वर्ष में कौन कौन से देशों में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। तो बताते हैं कि उसे कैसे, तो ऐसी एक पात्र रहता था उसके पास, उसमें कुछ डालता था, उसको उस पात्र में ऐसा झलक जाता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कहा जाता है, सुना है हमने इस टाइप से, यानी उसकी भी भविष्यवाणी बड़ी फेमस है। कुछ लिक्विड डालता था या ऑयल डालता, व्हाटएवर, पता नहीं,
जो भी होता है तो कुछ उनको उसमें से झलकने लगता है, यानी कुछ ऐसी प्रकार की विद्याएं होती है संसार में, कुछ इस प्रकार का ज्ञान भी है जो भविष्य को देख सकता है। अब उसे उसमें दिखता था ऐसा कहा जाता है। जब किसी सामान्य व्यक्ति को किसी पात्र में कोई लिक्विड डाल करके ऑयल डाल करके दिख सकता है, तो तीन लोक के नाथ जो हैं सर्वज्ञ हैं तीर्थंकर हैं उनके भावमंडल में हमें अपना भविष्य और अतीत क्यों नहीं दिख सकता? उनकी ज्ञान की विशेषता है, उनकी शक्ति की विशेषता है, तप की विशेषता है, कर्मों का क्षय उन्होंने किया उसका महत्व उसका फल हमें नजर आ रहा है। हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो हम क्या 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 कह रहे थे, कौन सा विषय ले रहे थे? हाँ, मन का कंट्रोल, भावों का कंट्रोल। तो प्रभु को देख करके, प्रभु की स्तुति करके, प्रभु के स्वरूप को देख करके, उस आभा मंडल को देख करके ऐसे भाव बनाया करो, ऐसे गुणगान किया करो, ऐसे विशुद्धि जगाया करो कि एक दिन वो भी आ जाए कि हम अपने विचारों पर पूर्णतया से कंट्रोल कर सकें। हो सकता है, असंभव नहीं है, पर उसके लिए थोड़ी सी ऐसी साधना की आवश्यकता है। चले इसके अर्थ को देख ले। तो क्या क्या है? शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपंती। क्या कहा गया? दूसरे चरण में लोकत्रय यानी तीनों ही लोक में द्युतिमताम, द्युति का अर्थ होता है ज्योति कांति, द्वितीय मत वाले कांति वाले क्या वे पदार्थ, उस कांति को आक्षिपंती, छिपंती का अर्थ होता है दूर कर देना तिरस्कार कर देना। आक्षिपंती यानी दुनिया में जितने भी कांतिमय पदार्थ होते हैं, प्रकाश वाले पदार्थ होते हैं, हे प्रभु आपके उस आभा मंडल अथवा भामंडल के आते ही उनकी कांति जो है तिरस्कृत हो जाती है। यानी आपके आभा मंडल की कांति इतनी अद्भुत, इतने अलग प्रकार की, जो संसार जिसे बहुत कांतिमय मानता है, जिन पदार्थों में बहुत रोशनी होती है, बहुत चमक होती है, कांति होती है, वे समस्त रोशनी वाले पदार्थ, कांतिमय पदार्थ आपके आभा मंडल के आगे कोई वैल्यू ही नहीं रखते। कैसे हो जाते हैं? मानो सूर्य के आगे कोई जुगनू। कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ चमकते हुए जुगनू का प्रकाश। जुगनू कब दिखलाई देता है हमें? रात्रि के अंधकार में दिखता है कि उसमें प्रकाश है ना? तो क्या दिन के उजाले में उसका प्रकाश गायब हो जाता है? दिन के उजाले में जुगनू में प्रकाश नहीं रहता? बताओ हमें, रहता है कि नहीं? कि वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, जैसे ही सनलाइट आती है तो उसकी बैटरी क्या डिस्चार्ज हो जाती है? कैसी है? नहीं, बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं होती है, प्रकाश तो दिन में भी रहता है। पर चूंकि सूर्य का प्रकाश और प्रताप इतना प्रभावशाली, इतना तेज को लिए हुए है कि उसके आगे, उनकी किरणों के आगे, उनके प्रकाश के आगे वो जुगनू प्रकाशित रहते हुए भी दिखलाई ही नहीं पड़ता कि उसके भीतर भी कोई चमकने वाला वो प्रकाश है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया, हे प्रभु आपका भामंडल कैसा है? शुंभत प्रभावलय। शुंभत मतलब बहुत सुंदर, जो प्रभा को लिए हुए है, ऐसा जो प्रभा यानी कांति, वलय यानी गोलाकार को लिए हुए आभा मंडल जो है। भूरी विभा विभोस्ते यानी बहुत सुंदर, विभा यानी आपकी वह चमक जो है, किसकी? विभो यानी हे प्रभु आपकी, ते यानी आपकी, विभोस्ते लिखा है तो विसर्ग है विभो, ते यानी आपकी। तो क्या संबोधन किया गया है? विभो हो, प्रभो, प्रभु के लिए यहाँ संबोधन किया गया है। हे प्रभु, संस्कृत में कैसे संबोधन करते हैं उसे? हे प्रभो,
हे विभो, विभू का संबोधन हो गया विभो, यानी विशिष्टता को जो लिए हुए हैं, विशेष जन्म देने वाले होते हैं वो विभू माने जाते हैं, पैदा करने वाले ऐसे विभू, यानी जिनका सर्वज्ञपना पैदा हो गया, वो ज्ञान पैदा हो गया, तो उनका संबोधन आचार्य प्रवर कर रहे हैं विभोस्ते यानी ते, यानी अहे प्रभु आपके, क्या शुंभत प्रभावलय, यानी वो दैदीप्यमान जो प्रभा यानी प्रकृष्ट रूप से, भा यानी वो कांति का जो वलय है, यानी जो आपका आभा मंडल है अथवा भामंडल है वो कैसा है, सामान्य नहीं है, बहुत उत्कृष्ट है। प्र अवसर लग गया तो प्र का अर्थ होता है बहुत प्रकृष्टता को लिए हुए, उत्कृष्टता को लिए हुए, उच्च स्तर वाला, बहुत सुंदर, बहुत अधिक प्रभावशाली, उस जैसा कुछ नहीं, उसके लिए कहा जाता है प्र उपसर्ग लगा करके बात की जाती है। शांत और प्रशांत, जैसे कि ये शांत है, किसी का नाम प्रशांत होता है, प्रशांत का अर्थ क्या होगा, प्रकृष्ट रूप से जो शांत रहे वह प्रशांत कहलाता है। देखो ना, सामान्य से शांत है, और प्रशांत मतलब बहुत अच्छे से हर परिस्थिति में जो शांत रहता है वह प्रशांत कहलाता है। तो हर परिस्थिति में जो अच्छा रहे, यहाँ पे जो भावल है नहीं लिखा, भामंडल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, प्रभामंडल अथवा प्रभावलय। क्या श्लोक की शुरुआत कैसे, शुंभत प्रभावलय भूरी विभा, भूरी यानी वो विशाल, और विभा यानी क्या होता है, विभा का अर्थ विशेष रूप से जो भाव वाला होता है वो विभा कहलाता है, विशिष्ट भा जिसकी होती है वो विभा कहा जाता है, बहुत ऊंची संस्कृत में विशेषता है। विशेषण के लिए वी शब्द का, वी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है, विशेषण तो समझते हो ना, जो एक्स्ट्रा क्वालिटी जब बताई जाती है, उपसर्ग वी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो वी उपसर्ग किसके साथ प्रयोग किया गया, भा के साथ, तो बन गया विभा। ऐसे ही प्र उपसर्ग भी भा के साथ प्रयोग किया गया तो वो बन गया प्रभा। तो क्या कहा गया, शुंभत प्रभावलय यानी दैदीप्यमान जिसकी प्रभा है ऐसे वो भामंडल, भूरी विभा यानी विशाल विभा से सहित है, विशाल कांति से सहित है, महान कांति से सहित है, भूरी से मतलब बहुत बड़ी कांति, बहुत अच्छी कांति, बहुत ऊंची कांति, भूरी बोले ना किसी की भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया शुंभत प्रभावलय भूरी विभा विभोस्ते, तो क्या कहा है, इसका अर्थ कैसे बनेगा, ते विभो यानी हे प्रभु आपकी जो है, हे विभो आपका जो आभा मंडल है वो कैसा है, दैदीप्यमान शुंभत प्रभावलय है और उसकी कांति बड़ी विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ी, इसका क्या अर्थ हुआ, उसकी रेंज जो है बहुत अधिक है, जैसे मोबाइल का टावर होता है, तो जितना टावर ऊंचा होता है उस रेंज उतनी ही अधिक रहती है, तो उस रेंज में आप रहोगे तो आपके लिए सिग्नल मिलेगा, और रेंज से बाहर चले जाते हैं तो आउट ऑफ कवरेज रेंज, क्या बोलते हैं, द नंबर यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ कवरेज रेंज। तो जितना टावर ऊंचा होता है अथवा उसमें जो कैपेसिटर लगा रहता है, जितना पावरफुल होता है उसकी रेंज उतनी है। तो प्रभु का जो आभा मंडल है, भामंडल है, वो कितना बड़ा है, बहुत विशाल रेंज को लिए हुए है। अब उस रेंज में आते ही उसका प्रभाव हम पर पड़ने लगता है, उसका प्रभाव हम पर पड़ने लग गया। इसी कारण कहा जाता है
जो अच्छे विचारधारा वाले लोग होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, उनकी संगति में रहना चाहिए, उनके निकट रहना चाहिए। जब हम लोगों को आचार्य भगवान प्रवचन सारे ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, ध्यान से सुनना, आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज का ग्रंथ है प्रवचन सार, उसमें चारित्र चुली का तीसरा अधिकार है। उसमें एक बहुत सुंदर गाथा आई कि श्रमण जो कमजोर हो, नए नए दीक्षित हो, अथवा जिसकी शक्ति ज़्यादा ना हो, जिस श्रमण की विशुद्धि ज़्यादा ना बढ़ती हो, जिस साधक की क्षमता अधिक ना हो और वह अपने आप को बढ़ाना चाहता है, तो उसमें गाथा आती, तम्मा समम गुणादो अथवा गुणाधियम। तो बोले कौन से श्रमण के साथ वो रहना शुरू कर दे, जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते हैं, ऐसा शुभोपयोगी श्रमण। शुभोपयोगी श्रमण का अर्थ क्या हुआ, जिसका ध्यान अच्छे से नहीं लगता है। ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन वो आत्मा का ध्यान जो नहीं लगा पाते हैं, निश्चल होकर के जो नहीं बैठ पाते हैं, निर्विकल्प जो नहीं रह पाते हैं, ऐसे जो श्रमण यानी जो सामान्य कैटेगरी के होते हैं, सभी साधु तो एक जैसे नहीं होते, सारे मुनि महाराज की साधना एक जैसी नहीं होती, कुछ मुनि महाराज की साधना एवरेज स्तर की रहेगी, उनके व्रत उपवास भी एवरेज, उनका ज्ञान भी एवरेज, उनकी सामायिक भी एवरेज, उनके नियम भी एवरेज। लेकिन कुछ मुनि महाराज होते हैं जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की, जो जब सामायिक करने बैठते हैं तो उनका ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी वृत्ति भी बहुत निरीह वृत्ति, उनमें उनके भीतर कोई आकांक्षा नहीं रहती है, कोई लोक व्यवहार नहीं, यानी कोई लौकिकता नहीं रहती है, वो दुनिया के तीन पांच में नहीं पड़ते, बस उन्हें एक ही कार्य है, अपनी आत्मा की साधना, ज्ञान और ध्यान में तप में लीन रहने वाले ऐसे जो श्रमण होते हैं, यानी जो जैसे ही सामायिक में बैठते तुरंत शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा श्रमण जो कुछ नहीं जानता है अथवा जिसकी साधना एवरेज स्तर की है और वो अपनी साधना बढ़ाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उन मुनियों के साथ रहना शुरू कर दे जो उच्च कैटेगरी वाले हैं, भले ही वो आपको पढ़ाते ना भी हों, भले ही वो आपको कुछ भी ना सिखाएं, बस उनके साथ रहना शुरू कर दो और उन्हें देखना शुरू कर दो, वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उठते हैं, कैसे वो ध्यान लगाते हैं, कैसे वो प्रतिक्रमण करते हैं, कैसे वो स्वाध्याय करते हैं, कैसे वो बैठते हैं, दृष्टि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो बोले एक सामान्य शुभोपयोगी श्रवण यदि शुद्धोपयोगी श्रवण के साथ रहने लगेगा तो अपने आप उसके भीतर वो क्वालिटीज आने लगेगी, यानी उनकी रेंज में रहना शुरू कर दोगे तो अपने आप उनसे आप प्रभावित होने लगोगे, उन जैसी चर्या उत्कृष्ट अपनी चर्या बनाने लगोगे। अब वो सामने वाला श्रवण कुछ बतला नहीं रहा है कि आप ये करो वो करो, ऐसे पढ़ो ऐसे मढ़ो ऐसे सामायिक करो, बिल्कुल नहीं बताएंगे वो, सिर्फ हमारा काम क्या है, जो हमसे उच्च स्तर वाले साधु हैं उन्हें हम सिर्फ देखें, उनकी के अनुसार हम जो जो वो कर रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाएं, अपने आप विकास होता चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जाता है, जो व्यक्ति प्रभु की उस रेंज में आ जाएगा, आभा मंडल की रेंज में आ जाएगा, तो अपने आप उसका विकास होता चला जाएगा, भले उसके भीतर बहुत सारे दुर्गुण भी क्यों ना हो, ढेर सारी कमियां भी क्यों ना हो। तो ये होता है संगति का प्रभाव। जैसे अच्छी संगति मिलते चले जाएगी वैसे ही हमारी मति भी अच्छी होती चली जाती है, जैसी संगति वैसी मति कहा जाता है ना। तो ऑरा का अर्थ क्या हुआ, हमें वो अच्छी रेंज मिल रही है,
तो उन लोगों से कहना है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें धर्म के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, जिन्हें पाठ पढ़ते नहीं बनता है, संस्कृत समझ में नहीं आती, उच्चारण करते भी नहीं बनता है, भक्तामर भी पढ़ते नहीं आता है, जिन्हें कोई शास्त्र भी नहीं समझ में आता है, मान लीजिए उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, तीव्र तीक्ष्ण नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ लें, संस्कृत के श्लोक पढ़ लें और पढ़ करके उसका अर्थ निकाल लें। संस्कृत तो छोड़ दो, जो हिंदी के साथ समझ में नहीं आते, कई लोग होते हैं ना, जब वो शास्त्र स्वाध्याय में बैठते हैं तो वो बोलते महाराज जी हमें तो समझ ही में नहीं आता है, वो शास्त्र बड़े कठिन रहते हैं, क्या लिखा है उसका अर्थ। तो उन लोगों से कहना है यदि कुछ भी ना समझ में आए, ज्ञान की शक्ति नहीं है, तो भी यदि आप इनकी संगति लेने लगोगे, प्रभु की संगति का आलम्बन लेने लगोगे, प्रभु के आभा मंडल की रेंज में आ जाओगे, तो अपने आप एक दिन देखना इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओ। सबसे बड़ा ये लाभ होता है। इस कारण कहा जाता है हर व्यक्ति से अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, तो प्रभु के पास आकर के करना चाहिए, प्रभु के दर्शन से करना चाहिए, प्रभु के चरण स्पर्श करके करना चाहिए, प्रभु के अभिषेक से करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है उन अभागे लोगों को देख कर के, अभागे कहें कि अकर्मण्य कहें, जिनके पास सब इतने सारे साधन हैं प्रभु की उस ऊर्जा को लेने की, जिनके पास सारी अनुकूलता है प्रभु से प्रभावित होने की, जिनके पास सारा कुछ सिस्टम मौजूद है अपने अवगुणों को दूर करने के का, फिर भी वो उनके निकट नहीं आते, अथवा जो निकट आते हैं दूरी बैठे रहते हैं, प्रभु के चरण नहीं छूते हैं, है ना, उन्हें बड़ा कष्ट होता है, कौन धोती पहने, कष्ट होता है ना, कौन वो कलश उठाए, तो ऐसा लगता है ये अभागे नहीं है, अकर्मण्य है। जैसे किसी व्यक्ति को खूब धन संपदा मिली है फिर भी वो भिखारी बन करके घूम रहा है, उसको क्या कहोगे, अभागा तो नहीं कह सकते, पुण्यहीन तो नहीं कह सकते। जिसके पास खूब धन दौलत है फिर भी बेचारा भूखा है, भुखमरी की जिंदगी गुजार रहा है, उसे क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, यानी उसने समझा ही नहीं कि मेरे पास क्या क्या संपदा है, मुझे क्या क्या मिला है, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो उन लोगों से कहना है जब आपको सब ऐसे प्रभु मिले हैं, ऐसी रेंज में हो आप, प्रभु के पास आते भी हो, तो क्यों नहीं प्रभु के चरणों को छूते हो। अच्छा, महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, आप लोग इच्छा होती है कि नहीं छूने की, होती है, क्यों नहीं छूते हो, पर्याय है ना। तो जो पुरुष बन करके, पुरुष पर्याय पा करके नहीं छू रहे हैं, तो जानते हो नियम से वो बीज आरोपण कर रहे हैं अगले भाव में स्त्री बनने का। हाँ, जो स्त्री पर्याय चाह रहे हैं, इसका मतलब या तो पहले स्त्री पर्याय में थे अथवा स्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, वही अच्छा लगता होगा, भविष्य में स्त्री बनना है ना, अगले भाव में क्या बनना है। देखो, सब कुछ होकर के भी जो प्रभु के चरणों को नहीं छू रहे हैं, अभिषेक नहीं कर रहे हैं, देखो इन महिला वर्ग से पूछो, जो चाहते तो हैं लेकिन वो अपने आप को कोसते हैं, कैसे हमें भारी पर्याय है, हम चाह करके भी अभिषेक नहीं कर पा रहे, प्रभु को छू नहीं पा रहे। अब जब पुरुष होकर के ये नहीं कर रहे, इसका मतलब है उन्हें अपना पुरुषत्व अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता ना, क्यों अनु भी ऐसे है ना, उनको स्त्री पर्याय अच्छी लगती होगी, ये कई पुरुष होते हैं जो स्त्री बन करके रहना पसंद करते हैं, वैसी साड़ी पहनना पसंद करते हैं, वैसी चूड़ी पहनना पसंद करते हैं, वैसी चाल ढाल रहने अच्छा लगता है। और कई स्त्रियां होती हैं उनको पुरुष की भांति रहना अच्छा होता है, उनके मन में भाव आते हैं कब हम प्रभु के अभिषेक कर लें, कब शांति धारा कर लें, यानी जिनके मन में ये भाव आ रहा है तो वो एक बीजारोपण कर रहे हैं अगले भाव में पुरुष बनने का।
तो वो पुरुष बन जाएंगे जो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही है कि कब हमें हमारे लिए वो दिन मिलेगा जब हम भी अभिषेक करेंगे। और जो पुरुष बन करके बड़े आलसी बन करके रहते हैं तो नियम से मानना वो स्त्री पर्याय का बीज बो रहे हैं। तो पुरुषों को स्त्री बनना, अगले भाव में क्या बनना है, क्या बनना है? यहाँ की महिलाओं को तो पुरुष बनना है ना, और पुरुषों को बोले ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो पुरुष को महिला वर्ग अच्छा लगता है, महिला को पुरुष वर्ग अच्छा लगता है, तो इस कारण पुरुष वर्ग वो सोचते हैं अगले भाव में महिला बन जाए, और महिला वर्ग सोचते हैं कि नहीं अब अगले भाव में पुरुष बन जाए, ऐसे ही है। तो आश्रय लेना सीखो, कौन सा, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना सीखो, उस रेंज में आओ और अपने भाग्य को और जगाओ, मानो कि हम कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। जब भाग्य से हमें संपदा मिली, ऐसे वीतरागी प्रभु मिले हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को और अच्छा सुंदर बना लें, प्रभु की उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें, क्यों ये भाव नहीं करते। हाँ, तो जितने भी सिविल ड्रेस में बैठते हैं, जब प्रभु को नहीं छूते हैं तो हम क्या समझ लें, गारंटी मान लें, रिजर्वेशन हो गया है, रिजर्वेशन करा लिया सबने, बर्थ बुक कर ली है, नहीं कौन सी बर्थ बुक कर ली है, कौन सा उपाध्याय बुक कर ली होगी, उपाध्याय जो होती है ना स्वर्गों में, तो वो बर्थ होती है, एक देवियों की बर्थ होती है और एक देवों की बर्थ होती है, तो कौन सी उपाध्याय बुक कर ली है? नहीं, आपको स्वर्ग ही पहुंचा रहे, घबराओ नहीं, नरक नहीं पहुंचा रहे, स्वर्ग ही पहुंचा रहे, लेकिन कौन सी बर्थ, एक फीमेल वार्ड होता है एक मेल वार्ड होता है, कौन सा वार्ड बुक कर लिया है, फीमेल वार्ड की मेल वार्ड, समझो इस बात को, जीवन मिला है, अनुकूलता मिली है, प्रभु मिले हैं, सुंदर शरीर मिला है, निरोगी काया मिली है, वक्त भी है आपके पास, वैसे तो वक्त है, सानिध्य भी है, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी है, क्षमता भी है, सब कुछ भी है, तो फिर क्यों अपने लिए गड्ढा खोद रहे हों।